आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज जेसो, जेसो का क्या यूज है, हम लोग अनबॉक्सिंग भी करेंगे और मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो नमस्ते, मैं हूं दीपांकर और आप देख रहे हैं दीपांकर पे दीपांकर। अगर जेसो की बात करें तो जेसो बेसिकली मिक्सचर होता है ब्लैक या व्हाइट पेंट प्लस चॉक पाउडर, पिगमेंट्स और जिप्सम का। जब हम लोग एक्रेलिक या ऑयल पेंटिंग करते हैं कैनवासेस या वुडन पैनल पे, तो हम लोग का कलर जो है वो एब्जॉर्ब होने लगता है और इससे क्या होगा कि हम लोग का जो पेंटिंग है वो खराब हो सकता है। इसीलिए हम लोग एक जैसो इस्तेमाल करते हैं एक लेयर्स के तौर पे, ताकि हम लोग का कैनवस और पेंटिंग अलग अलग रहे, एक बैरियर की तरह वो काम करे। तो चलिए जैसो की अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसो नहीं है तो आप क्या करें, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? बिल्कुल है, आप ये एक्रिलिक कलर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक्रिलिक कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि आप जब जैसो यूज़ करते हैं तो सरफेस पे एक मैटेड फिनिश इफेक्ट आता है, और अगर आप एक्रिलिक कलर यूज़ करते हैं तो सरफेस जो है एक स्मूथ सा इफेक्ट आता है। तो आपको जैसा आपको बढ़िया लगे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कि मैं जैसो यूज़ करूँ, हालांकि मैं पहले एक्रिलिक कलर यूज़ करता था, लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं जैसो यूज़ करता हूँ और एक्रिलिक कलर के लिए मुझे जैसो ही अप्लाई करना कैनवासेस में पहले अच्छा लगता है। अब मैं आपको जैसो यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे यूज़ होता है। डायरेक्टली हम लोगों को क्या करना है, पेंट ब्रश लेना है, इसमें जैसो डिप करेंगे और डायरेक्ट इसको कवर करेंगे, अप्लाई करेंगे इवनली। ठीक है, चलिए। आप देख सकते हैं कि ये जैसो ड्राई हो चुका है, मैंने इवनली कोट लगाया है टू लेयर्स का। आप देख सकते हैं पहले ये ऐसा लग रहा था और अभी ये थोड़ा सा मैट फिनिश इफेक्ट, यहाँ पर डिफरेंस। अगर आपको कोई भी आर्ट मटेरियल्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज दीप आर्ट स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग ने ऑनलाइन ड्राइंग क्लास शुरू किया है, तो उसका कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इस पर कॉमेंट करके बताइए कि आपको और कैसा आर्ट रिलेटेड वीडियोस चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दीप आर्ट बेसिक को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए। ऐसे ही आप खुश रहें, आर्ट वर्क्स बनाते रहें और देखते रहें दीप आर्ट बेसिक। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।